वेलकम टू द आशिमा शो। देश की आर्थिक व्यवस्था की सच्चाई क्या है, सरकार ने अभी तक कवर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब तो बात हाथ से निकल गई, तो जाहिर से कि सच्चाई सामने निकल कर आनी ही थी। आरबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट में बैंक्स का हाल और इस क्वार्टर की गिरती इकोनॉमी का जिक्र हो ही गया है, जो कि बहुत जरूरी भी था पब्लिक अवेयरनेस के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम जेन्युइनली सिचुएशन की सीरियसनेस को समझे तो एट प्रेजेंट आर डिप्लीटिंग इकोनॉमी इज द बिगेस्ट एंड द की इशू दैट शुड कंसर्न एवरीबडी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर एक आम आदमी हो, क्योंकि कितने ही इधर उधर की प्रोविजंस ले आए, दे आर नॉट एट ऑल द सॉल्यूशंस। ये सब टेम्परेरी जुगाड़ से कुछ ज्यादा नहीं है। इकोनॉमी को हेल्दी रखता है रेगुलर फ्लो ऑफ मनी, तभी कहते हैं कि द होल थिंग इज दैट रे भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर वो नहीं तो इकोनॉमी समझ लो खोखली है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो ये कोई नॉर्मल रिसेशन नहीं है। 40 साल में ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर हमारी कंट्री की जीडीपी नेगेटिव आई है। इंडिया एशिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है जिसने इस साल विटनेस किया है वर्स्ट क्वार्टर एवर, वेयर जीडीपी क्रैश 23% इन अप्रैल टू जून पीरियड। ये हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी तो कोविड के आने से पहले से ही डगमगाई हुई थी। कोविड ने तो इकोनॉमी को और खराब और बदतर किया है, पर जानना ये भी जरूरी है कि जो ये रिसेशन का हिट अब आ ही गया है वो कितना हार्ड होगा। तो उसके लिए आपको बताऊं तो आरबीआई ने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट की है उसमें ये साफ साफ कहा है कि जो अभी आने वाली मंदी है वो गहरी और लंबी होने वाली है, एंड ऑफ कोर्स दिस सिचुएशन डिमांड्स अटेंशन। मेरा ये वीडियो आप तक लाने का बस एक ही मोटिव है कि क्योंकि इकोनॉमी इज द मेजर चंक ऑफ आवर सिस्टम, तो आपको पता होना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, ताकि आप अपने फाइनेंसेस मैनेज कर सके और जहां पॉसिबल है प्रिपेयर हो सके, चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट को लेकर हो या आपके बिजनेस को लेकर हो। क्योंकि सरकार ने कैसे रिएक्ट किया सिचुएशन पर और कैसे अपनी चुप्पी तोड़ी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने सिचुएशन के आने पर जो रीजन दिया वो इतना कन्विंसिंग नहीं था, क्योंकि इस क्राइसिस को एक्ट ऑफ गॉड कहा गया। एक और ध्यान देने वाली बात ये है कि जो ये आरबीआई की रिपोर्ट आई है ये तब आई है जब 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज ऑलरेडी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आ चुका है। आरबीआई खुद 4 लाख करोड़ सिस्टम में छोड़ चुका है। ऑल्दो इफ वी लुक ऑन द अदर साइड, सरकार इस साल पिछले साल के कंपैरिजन में 13% ज्यादा ऑलरेडी स्पेंड कर रही है, जबकि गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यूज नेगेटिव में है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी को स्टेबल लाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना जरूरी है, तभी सरकार को इस वक्त प्राइवेटाइजेशन ही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। इस बात से ये तो साफ हो गया है कि स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए, फंड्स ऑलमोस्ट वैनिश हो चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के पास मदद के लिए जाते हैं तो सेंटर गवर्नमेंट का सीधा जवाब आता है कि पैसे चाहिए तो बैंक से लोन ले लो। एक टाइम था जब हम जीडीपी की 2-digit ग्रोथ की बात किया करते थे, और इस साल क्वार्टर वन का इतना बुरा हाल है कि हमारी ग्रोथ 24% यानी 2-digit नेगेटिव में जा चुकी है, और एग्रीकल्चर को छोड़कर सभी सेक्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे तो बिफोर कोरोना भी हालत कुछ ठीक नहीं थी, बट फिर भी लटक पटक कर लगभग 4% जीडीपी पर हम चल रहे थे। इंडिया की इकोनॉमी की बात करें तो हमारी इकोनॉमी है कंजम्पशन इकोनॉमी, जिसका मतलब हमारी 1.3 billion की जो पॉपुलेशन है वो जो खपत करती है या फिर खरीद बेच करती है, मेजरली वही एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी को चलाती है, वही हमारी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, क्योंकि हमारी जीडीपी में 56% कंट्रीब्यूट करता है। और अभी का सिनेरियो ऐसा है कि ये कंजम्पशन बिल्कुल टूट चुका है, ना मैन्युफैक्चरर्स के पास सफिशिएंट फंड्स हैं टू प्रोड्यूस, और ना हमारे पास एज कंज्यूमर्स पैसे हैं कि हम ज्यादा परचेजिंग कर सके। अब जो ये 24% का डिप आया है इकोनॉमी में, उसको एक एग्जांपल के साथ आम आदमी की लाइफ से रिलेट करके बताऊं तो मान लीजिए आप एक दुकान चला रहे हैं और महीने का आपका टर्नओवर होता है 1 lakh rupees का। अब रिसेशन की सिचुएशन की वजह से वो 23,000 rupees गिर गया है, यानी कि 23% कारोबार आपका गिर गया है। अब अगर टर्नओवर गिर गया है तो ऑब्वियस है कि प्रॉफिट्स भी गिरेंगे। अब ऐसे में जो ओनर है उसके हाथों में पैसा कम होगा, जिसकी वजह से ऑब्वियस है कि या तो वो कुछ लोगों को नौकरी से निकालेगा या फिर सैलरी को कुछ परसेंट तक कट डाउन करेगा। अब इस सिनेरियो का सीधा असर हमारी लाइफ पर पड़ता है, और वो ऐसे कि इन सिचुएशंस में हमारे लिए रोजगार के मौके कम हो जाते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जा सकती है, अल्टीमेटली इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है।
जुलाई के महीने की अगर बात करें तो CMI यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस एक महीने में ही 50 लाख सैलरीड लोगों की नौकरी गई है। और ये नंबर मैं बता रही हूँ ऑर्गेनाइज सेक्टर का, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में कितने लोग बेरोजगार हुए हैं हमें अच्छे से पता है कि क्या चल रहा है हमारी सराउंडिंग्स में। जैसे कि जो लोग घरों में काम करते हैं वो बेरोजगार हैं, लोकल स्ट्रीट वेंडर्स बेरोजगार हैं, होटल्स में काम करने वाले लोग बेरोजगार हैं, जो लोग शहर से अपने गांव वापस चले गए उनके पास काम नहीं है। कितने होंगे ऐसे लोग, कोई हिसाब नहीं है, इनकी कोई पब्लिक रिपोर्ट नहीं होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि Q2, Q3, Q4 में इंडिया की ग्रोथ रेट Q1 से बेहतर होगी, क्योंकि जून जुलाई से देश में लॉकडाउन खुलने लगा और अब फैक्ट्रीज एंड बिजनेस ओपन हो रहे हैं। एक डिफिकल्टी जो भी लोगों के सामने आने वाली है वो ये है कि अभी पिछले 3 महीनों से लोन्स की EMI पर सरकार की तरफ से मॉरेटोरियम लगा हुआ था, लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब बैंक्स अपना पैसा विद इंटरेस्ट मांगना शुरू कर देंगे, जिससे कि इकोनॉमिक क्राइसिस अगले 3 महीने में थोड़े देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सोल्यूशन की। इस सिचुएशन से निकलने के लिए एक चीज तो डेफिनेट है कि कंट्री में कंजम्पशन को इंक्रीज करना ही होगा, जिसके लिए भारत सरकार को लोगों को पैसे देने होंगे। और पैसे देने का मतलब ये नहीं होता कि देश के सभी लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दे, सरकार को लो इंटरेस्ट रेट पर लोन देना होगा, डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना होगा। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, चाइना गवर्नमेंट ने भी यही किया है, पब्लिक स्पेंडिंग को बढ़ाना स्टार्ट किया है, जिसके चलते जहां दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था गिर रही है वहीं चाइना की रिकवरी मोड में है, चाइना पॉजिटिव में वापस आ चुका है। तो दोस्तों चलो उम्मीद करते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो अब जा चुका है, लेकिन इकोनॉमी की रिकवरी में टाइम जरूर लगेगा, सालों लग सकते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि कौन देश कितनी जल्दी अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करता है। आपके कुछ सुझाव है तो आप वो कमेंट करके मेरे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।